नफरत हो गई है ये टेस्ट मैचेस देख के, कि दिल नहीं चाह रहा टेस्ट मैचेस ये देख, कौन देखेगा यार। फिर ये सवाल होता है यार, पब्लिक मैच देखने क्यों नहीं आ रही है, पब्लिक क्यों आएगी ऐसे मैच देखने यार, बोरियत हो रही है सीरियसली इस तरह के मैचेस देखने में। जो पाकिस्तान का बुरा हाल रोल के रख दी ट्विटर पे, पाकिस्तानियों का ऐसा पहला हाल हो गया, माइकल वॉर्न हो गया, इसके अलावा जिसे कहते हैं मिचेल मैकलेनिगन, क्रिकेटर्स ट्वीट कर रहे कि रोड ट्रैक बना दिया ये वो, मतलब के खीर से खीर ही होगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि 309 आज न्यूजीलैंड ने बनाया, मैं ये समझता हूँ अगर टीम 9 आउट पे भी 300 बनाए या 1 आउट पे भी 300 बनाए तो दिन धोनी के नाम होता है, क्योंकि टेस्ट मैच में अगर आपने 300 बना दिए तो भाई मतलब कि आपने अच्छी बैटिंग की है, साफ पता चल रहा है। डेविन कॉर्नवे ने सेंचुरी मारी है आज, जिसको कहते हैं जबरदस्त किस्म की बल्लेबाजी की है, टॉम लैंथम ने भी अच्छी बल्लेबाजी की, केन विलियमसन शुक्र है जल्दी आउट हो गया, वरना एक ओवर लग रहा था कि 100 आ जाएगा उनकी तरफ से। पड़ेगी कि जो आपकी बॉलिंग है वो भी बड़ी क्लूलेस नजर आ रही है, आपकी बॉलिंग भी कुछ खास कुछ करके नहीं दिखा रही है। आप देखो पहला विकेट आपने 134 पर लिया, दूसरा विकेट आपने 234 पर लिया, 233 पर न्यूजीलैंड का सिर्फ और सिर्फ एक खिलाड़ी आउट था 233 पे, और उसके बाद फिर से जाकर आगा सलमान ने विकेट लिया या ब्रेक थ्रू शुरू किया, फिर नसीम ने विकेट लिया, तो फिर आपने कहानी एंड में चलो अच्छी किया। तो आपकी बॉलिंग साल बदल गया, पिछला साल था, वक्त बदल गया, वेन्यू, लेकिन जो बात है कि आपकी बॉलिंग की वही की वही, लेकिन पिच अभी भी आधा तितर और आधा बटेर ही है, पिच अभी तक जो है वो प्रॉपर बनाने में नाकाम रहे हैं, पिच को उस तरीके से आप नहीं बना सक रहे हैं, जो सीधी सी बात है, मतलब पिच आपके रडार में आ ही नहीं रही है, ना आपकी पिछली मैनेजमेंट ये कर पा रही थी, ना आपकी अगली मैनेजमेंट ये कर पा रही है। और हकीकत तो ये है कि कराची के अंदर कभी भी जो है आपको इस तरह के ट्रैक नहीं मिलते, कराची में आपको स्पिन ट्रैक बनाने का, आपको स्पिन के लिए सूटेबल है, शुरू से सबको पता है कि स्पिन ट्रैक है, लेकिन स्पिन में नहीं आप बना पा रही, उनका स्पिन अटैक सोदी है, ब्रेसवेल है, अजाज पटेल है, आपका कुछ स्पिन अटैक भी बस समझ नहीं आ रहा, जिस तरीके से बाबर लगे हैं बरार को लगा लगा के, वो भी मुझे तो टोटली क्लूलेस नजर आ रहा है। सिचुएशन अली साहब आपके हाथ में कुछ खास नजर नहीं आ रही है, मैं तो मतलब कर रहा हूँ टेस्ट क्रिकेट खत्म ही हो, जान छुटे हमारी, साल बदल गया लेकिन हमारी पिचेस नहीं बदली। कल एक तस्वीर भी आई कि भाई ग्रीन पिच होगी, सारे देख के पागल हो गए, 3 दिन में टेस्ट मैच का फैसला हो गया, ये भी फैसला हो गया, पिच नहीं होगी, क्या हो गया पिच पिच पिच, कल से लेके अभी तक पिच की कहानी सुन रहे हैं। जब मैच शुरू होता है दोनों टीमें पेसर ज्यादा खिलाती है, पाकिस्तान बॉलिंग करने आते हैं तो पाकिस्तानी बॉलर्स वैसे ही रह जाते हैं, पहले सेशन के अंदर न्यूजीलैंड वाले ऐसा धोते हैं दोनों की पार्टनरशिप ऐसी लगती है कि हम तो सर पकड़ के बैठ जाते हो, तो हो क्या रहा, कितना डोला डाला, इतनी ग्रीन पिच दिखा के दोबारा से वही पिच बना दे, हमारे बॉलर्स एट दी एंड हिम्मत हार जाते हैं, वो कहते हैं वही विकेट है जो पिछले 3 से 4 मैच में थी, हम क्यों जोर लगाए। फिर जिसको कहते हैं एक और सेशन के बाद पीछे से वो जाके इनको बताता है भाई विकेट का मसला नहीं, तुम लोगों का मसला है, तुम लोग जान नहीं लगा रहे। फिर हमारे बॉलर्स को आ जाता है इज्जत का ख्याल कि भाई पिच में तो जान है, अगर हमने विकेट नहीं ली तो हमारा क्या हाल होगा। तो क्रिकेट का जो बेड़ा गर्क हुआ है वो हुआ है पाकिस्तान से देखा जाए तो, देखिए हमारी क्रिकेट को श्रिंक कर दिया, हमारे जो टॉप के प्लेयर हैं मुल्क से बाहर खेल रहे हैं, ये सारी चीजें आप सोचने की है ना कि क्यों खेल रहे हैं बाहर, या किसने ये कानून बनाया दुनिया में, आप ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड इनकी क्रिकेट को फॉलो करते हैं ना, किसी को इजाजत नहीं होती अपने सीजन में बाहर जाकर खेलने की, हमारे सारे लड़के बाहर खेल रहे हैं, इसलिए खेल रहे हैं कि आपने इतना छोटा कर दिया है डोमेस्टिक क्रिकेट को कि वहां पे खेलने की गुंजाइश। अरे मुझे लगता है कि शदीद खड़े रहने के विकेट पे जो है ना वो रिकॉर्ड तोड़ दिए केन विलियमसन ने, बिकॉज टेस्ट कप्तानी छोड़ते ही डबल सेंचुरी जो है वो केन विलियमसन ने स्कोर की यहाँ, और ऑलमोस्ट 400 बॉल्स उन्होंने फेस की। लीना जी छूटते ही सबसे पहले मजा आ रहा है टेस्ट मैच देखने में आप? यार क्या मजा आएगा, पिचे ही ऐसी हैं, कुछ मजा आ ही नहीं रहा। पिचे मतलब मैं कहती हूँ दुनिया की बोरिंग तरीन डेटर्स पिचे दुनिया की, और डीमेरिट पॉइंट अगर उनको मिल रहे हैं तो उसमें क्या गलत है मुझे बताएं। बिल्कुल नहीं नहीं बिल्कुल ऐसी है, और डीमेरिट पॉइंट इससे पहले कि आईसीसी दे, हमें अपने आप को डीमेरिट पॉइंट दे देने चाहिए यहाँ पे, बिल्कुल वाकई देना चाहिए। एक तो वही बात है कि इतना अपने ऊपर जुल्म करे। अच्छा फिर ये सवाल होता है यार, पब्लिक मैच देखने क्यों नहीं आ रही है, पब्लिक क्यों आएगी ऐसे मैच देखने यार, बोरियत हो रही है सीरियसली इस तरह के मैचेस देखने में। इंग्लैंड में तो चले सीरीज ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी है, टीवी पे आपके पास ऑप्शन होता है ना, यू कैन स्विच इट चैनल्स आप, और फिर हमारे खैर वो एक जाहिर है एक अलग डिबेट, मैच ना देखने लोग के आने वाली। बॉलर जिस तरह स्ट्रगल कर रहे हैं, नाइटमेयर है किसी बॉलर के लिए डेब्यू करना इस पिच पर इन कंडीशंस में। मैं ये सोचने में मसरूफ हूँ, मैं सोच रहा हूँ, मैं जब भी मैच देख रहा होता हूँ बेचारे बॉलर्स क्या रहे कि वो सोच क्या रहे थे इस पिच को बनाने, मतलब उनका आइडिया क्या था इस पिच को देखकर, इसलिए कि उन्होंने एक तो दो उनके स्पिनर हैं ठीक है ना, आपने स्पिनिंग ट्रैक भी नहीं बनाया, इतनी स्लो स्पिनिंग ट्रैक है कि इसमें कुछ भी नहीं है। शुरू के दिन जो स्पिन हुआ था बड़ा सा, वो सिर्फ गिलाहट की वजह से जो मॉइस्चर होता है अर्ली मॉर्निंग वो हुआ था। तो आई डोंट हैव एनी क्लू कि मुझे कोई बताया कि उनका आइडिया क्या था, क्या इतने बड़े एक्सपर्ट्स वहाँ मौजूद हैं कि क्या एक अच्छी बैटिंग विकेट, या चले बैटिंग तो है ये, कोई टर्निंग विकेट बना देते। तो मुझे नहीं पता कि ये पिच किस लिए बनाई गई थी, किस चीज़ के लिए बनाई गई थी, इसका मकसद क्या था, इस पिच हो क्या रहा है, मसला क्या है। बिकॉज अब इंग्लिश सीरीज में भी हमने देखा पिचे बिल्कुल डब्बा थी, और यहाँ पर भी पिच हमें बिल्कुल ही फ्लैट नजर आ रही है। दानिश मैं थोड़ा सा हटके बात करना चाहूंगा, और बात यह है कि दे आर प्रोफेशनल, बात दरअसल ये कब तक आप तरक्की बत्ती के पीछे आपको लगा। मेरे हाथ हवा में हैं, दुआओं के लिए उठ रहे हैं, शुक्रिया अल्लाह न्यूजीलैंड ने अपनी इनिंग्स को डिक्लेयर कर दिया, ये अजियत बस कर दी,
बहुत बहुत शुक्रिया केन विलियम सर, मेरे प्यारे भाई, एक चुम्मी इधर, तुम्हें एक पप्पी इधर, एक पप्पी तुम्हें उधर देंगे हम कराची वाले सारे मिलके। तुमने जो हमारे साथ किया है वाह वाह वाह, तुमने तो हमारे साथ हमको अपनी मेडिसिन खिला दी और ये भी सिखा दिया तुमने हमको कि 50 को 100 और 100 को 150, 150 को 200 में इस पिच के ऊपर कैसे कन्वर्ट करते हैं। 612 for 9 न्यूजीलैंड लीड बाय 174 इस फ्लैट डेक के ऊपर न्यूजीलैंड ने भाई साहब काम तमाम कर दिया, काम उन्होंने कब तमाम कर दिया भैया 174 में, आपको बता रहा हूं ये हमारे हालत में आ सकता है। पाकिस्तान भैया इस प्रेशर में क्रम्बल कर सकता है क्योंकि भाई साहब हम सम डाउन एंड आउट है, शोल्डर्स गिरे हुए हैं, जीरो किस्म की बॉडी लैंग्वेज है और 195 ओवर जो उन्होंने हमें फेटा लगाया है और जो हमारे साथ भैया न्यूजीलैंड करके चला गया है, अल्लाह इनको पूछेगा, इन लोगों को पूछना चाहिए यार ये कुछ शराफत होती है, आप हमारे मेहमान हो यार, हम तो वैसे ही अपने घर के अंदर, आपको याद नहीं हमारा चेयरमैन क्या कहता था, हम तो अपने घर के अंदर वैसे ही गिफ्ट कर देते हैं, आपको इतनी मेहनत की आपने यार, आपने हमें इतनी 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 हमारे साथ बुरी की है, मतलब अभी भी 125 ओवर बचे हैं टेस्ट मैच के, मतलब ये पाकिस्तान क्रिकेट की मौत है भैया, ये टेस्ट क्रिकेट की मौत तो अपनी जगह लेकिन ये पाकिस्तान क्रिकेट की भी मौत है अपनी।